दसवां दिन। नंबर 10 की जर्सी कोई क्रिकेट या फुटबॉल फैन के लिए फेवरेट होती है, लेकिन ये 10 नंबर हमारे हिटलर दीदी की लाइफ में कुछ अलग तरह से ही आया। अब तक हिटलर दीदी ने जैसा चाहा वैसा कुछ नहीं हुआ, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो जिद नहीं छोड़ते। हिटलर दीदी का हार मानकर बैठी है कभी? मेरा दिल कहता है कि उनके सपनों को मंजिल जरूर मिलेगी। हमारे यहाँ पे जान जा रही है, तेरे को मजाक सूझ रहा है? तेरी गेंद छीन लूंगा मैं। इसको क्यों डांट रहा हूँ? इससे क्या किया? अरे इसकी तो बचपन से आदत है, किसकी गलती किसी पे निकालने की। कोई बताओ ना मुझे। तेरी इंद्रा बुआ है ना, उसने कल अपना चौथा होते हुए देख लिया था। तब से खामोश है वो, पता नहीं हम में से किसका चौथा करवाएगी वो। ये चौथा क्या होता है? ओए सवाल की दुकान, चुप क्यों नहीं बैठता तू? तब से टर 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 लगा हुआ है, फिर तेरा बाप हलाल हो रहा है यहाँ पे। एक सेकंड का टाइम देना सोचने के लिए, कुछ आइडिया आ गया मेरे दिमाग में। देखो सारे फंसे, इसमें किसी को कोई फायदा नहीं है। तो एक काम करते हैं, जिसने चौथा रखा था ना उसको सबसे सामने कर देते हैं, बाकी सारे बच जाएंगे। हाँ बेटा। भैया चौथा आपने रखा था। मैं चलता हूँ। मुन्ना रुक जा, चौथा तूने रखा था ना। मम्मी तो मम्मी है मेरी, मैं बेमौत मारा जाऊं तेरे को अच्छा लगेगा? भाई साहब को देखा है क्या? हाँ वो यही कहीं होगा वो। नहीं है। बबली बेटा सुन, देख बेटा, कल जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो जो भी था उसके लिए मुझे माफ कर देना। हाँ इंदिरा बेटा, मुझे भी माफ कर दे, क्या ना कि आपसे गलती हो गई। भाई साहब बिना कुछ बोले चली गई है, इसका मतलब बबली बहुत गुस्से में है। ओ सॉरी, दूध पिला रही हो क्या? अच्छा भाई साहब को देखा है क्या? तो ये सुबह सुबह कहाँ चले गए? इंदिरा ये ले तेरी चाय। मैं जानती हूँ तेरे को ना बहुत बुरा लगा होगा, बताया तेरे भाई साहब ने, लेकिन क्या करे, वो गुंडे ना उनकी जान के पीछे पड़े थे। लेकिन ये भी है, जो गलत है वो गलत है, मैं भी मानती हूँ, अपनी भाभी को नहीं माफ करेगी, सॉरी। एक मिनट भाभी चुप रहो, अगर तुम यहाँ पर हो तो शहर के पास कौन है? कौन है? समझ गई कौन है? कौन है? चाय तो पी ले। भाई साहब भाग मुन्ना भाग बेटे, जैसे तेरे कर्म है ना पूरी जिंदगी भागेगा तू। अरे यार हट। पैडल मारने से साइकिल नहीं चलती। बल्कि स्टैंड से उतारना भी पड़ता है। ओ शिट।
सॉरी इंदिरा देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं वो रोके भाई के गुंडे मेरे पीछे पड़े होते जान से मार देते, और कुछ सोचा नहीं मेरे को, मैं चौथा बना के बैठ गया तेरा। तो देख मैं कितना गंदा आदमी हूँ ना, जिंदा बहन का चौथा कोई करता है कैसे तू? पर तेरे को गुस्सा रहा ना, मारने का मन करा ना, मेरे को मार। एक काम कर तू, ये ले जितना मारना है मार ले, दिल में मत रखियो कुछ भी, ये मार मार ले, पकड़ पकड़ ये ले मार दे, इतना मार 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 मार, कम ऑन। ठीक है राखी। हाँ आज रक्षाबंधन है, मुझे पता था आप भूल जाएंगे भाई साहब, इसीलिए मैं सवेरे से आपको ढूंढ रही थी, और अगर आप कहीं चले जाते तो सारा दिन मुझे इंतजार करना पड़ता। चलिए रक्षाबंधन मनाते हैं। ये रख लीजिए मेरी तरफ से सुप्रीम भेड़ भाभी, जैसे ही मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी ना मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा। मेरा गिफ्ट क्या हुआ? क्या दूं मैं तेरे को, दे क्या सकता हूं मैं, पूरी जिंदगी तो तू देती है ये मेरे को, सालों में कहा नहीं मैंने तेरे को, लेकिन भाई का फर्ज तो नहीं निभा पाया मैं। भाई का फर्ज तो तूने निभाया हमेशा, तो हिसाब से देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए कि मैं तेरे को राखी बांध। क्या कर क्या रहे भाई साहब? कर लेंगे इंदिरा, घर का बड़ा बेटा तो तू है, तो हर साल मैं तेरे को राखी बांधूंगा। हर साल? हाँ हर साल। देख देने के लिए तो है नहीं मेरे पास कुछ भी, पत्थर से वादा करता हूं मैं तेरे सपनों की राह में ना कोई भी रुकावट नहीं आने देगा तेरा भाई, आंच नहीं आने देगा तेरे ऊपर, कोई मुसीबत आएगी ना सामने खड़ा हो जाऊंगा मैं। रक्षाबंधन के त्योहार के मायने मत बदलिए आप, मैं हर साल आपकी लंबी उम्र के लिए राखी बांधती आई हूं, और अब आइंदा इस तरह से बातें मत करना, समझे आप? चलो चलो ईशान और सैर की भी तो राखी है। रजत भैया होते तो कितना अच्छा होता ना, बस उन्हीं की कमी लग रही है पूरे परिवार में। बाय गॉड और दुलारी दीदी भी वो तो जेल में है। भाभी कितनी बार कहा है आपसे मैंने कि इस परिवार के साथ विश्वासघात करने वाले का नाम इस घर में नहीं लेना है, समझ में नहीं आता आपको? अब तक नाराज है? इधर देखकर बताइए मुझे। मेरी आंखों में आंखें देखकर बोलिए कि आप नाराज है मुझसे। अरे
श्रीमती जी, जब इतनी प्यारी सी बीवी से भला कोई कितनी देर नाराज रह सकता है? वो क्या है ना, आज रक्षाबंधन है तो बीवियां अपने पति के गले कहाँ लगेंगी, वो तो अपने भाइयों के गले लगेंगी। तो आपकी अटेंशन लेने के लिए सब किया मैंने, और मैं आपसे चिपके बिना कहाँ रह सकता हूँ। बहुत अच्छी एक्टिंग करने लगे आप तो। आप चलिए एक्टिंग से बाहर आइए और ऑफिस चलते हैं, बहुत देर हो रही है। श्रीमती जी, मेरी सैलरी कितनी है? 8,000। 25 लाख कमाने में कितने महीने और कितने साल लग जाएंगे? 8,000 के हिसाब से 312 महीने। अगर मैं 20 दिन में 25 लाख रुपए कमाकर दिखा दूं तो? 20 दिन में 25 लाख? कैसे ऋषि? ये है श्रीमती जी झूम बराबर झूम डांस कॉन्टेस्ट, और इसके जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 25 लाख रुपए। हाय। तो क्या पार्टिसिपेट करूंगा डांस में? आप डांस करेंगे जी? क्या है ना श्रीमती जी, ये 9 to 5 की जॉब ना मेरे लिए नहीं है। मुझे जिंदगी में ना कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ अलग सा, कुछ बिल्कुल डिफरेंट, समझ रही हो ना। वैसे दिल में ख्याल आया था कि आप भी इसमें मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, लेकिन आप नहीं कर सकती ना, वो आप तो प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली हैं। क्या चौंकी है मत, मुझे सब पता है, बचपन से ही आपको डांस का पैशन है ना, पैशनेट है आप बहुत डांस के लिए। तो बताइए, कर लूं पार्टिसिपेट? ऐसे नहीं, पहले मैं देखूंगी कि आपको कितना डांस आता है, आजमाए? हाँ, क्यों क्यों नहीं, चल चलो चलो म्यूजिक चलो। रेडी रेडी श्रीमती जी, ये लेडी सॉन्ग है, मेरे लिए लगाओ ना कुछ। ऐसे कैसे इसमें कैसे डांस करूंगा आप? एक मिनट, कैसे कैसे भाई? एक सच्चा डांसर हर ट्यून पे डांस करता है, तो करिए डांस। ठीक है, चलिए देखो। 1 2 3 स्टार्ट। बताओ कैसा किया मैंने? माइंड ब्लोइंग। मैं तो कह रही हूँ कि आपको बस इनाम ही मिलना चाहिए, और वो इनाम मैं दूंगी आपको। जल्दी जल्दी। बस। मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। हाय मेरे पति, ये लीजिए। ये 25 लाख की बात हो रही है, 25 रुपए दे। आपके डांस को देखकर यही मिल सकता है आपको, इससे ज्यादा नहीं। आसमान से नीचे उतरिए, सपने देखना बंद कीजिए। श्रीमती जी, बैग में रख लीजिए और जॉब के लिए चलिए बस। अरे आप देखो तो सही श्रीमती जी, प्लीज एक बार देखो ना इसको। मैं अगर कुछ गलती रह जाएगी ना, मैं उसको सुधारूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, हाथ पैर तोड़वाऊंगा। नो ऋषि, नो। मैं बहुत अच्छा डांस करूंगा, प्लीज मान लो ना। इस सारे फसाद की जड़ ना यही है। अरे फोन को भी अभी बजना था। क्या कर रही थी, मेरा फोन है। आप ऐसे कैसे? इंदिरा शर्मा अभी व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी। देखिए मैं सौभाग्यवती मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ, वो रिश्ते के बारे में बात करनी थी। सौभाग्यवती मैरिज ब्यूरो, हेलो। रॉन्ग नंबर। नंबर पता नहीं कौन फोन करते रहते हैं। रॉन्ग नंबर, लोग पागल हैं, ऐसे फोन मिलाते रहते हैं किसी को भी, है ना, जानते भी नहीं है। सुनिए, दूसरी शादी करने का इरादा तो नहीं है आपका?
कहीं आपका डांस करने का तो इरादा नहीं है? अरे करने दीजिए ना एक बार, मैं कसम से कह रहा हूँ हाथ पैर तोड़ लूंगा, लेकिन तेरा गजब का डांस कि आपसे कुछ बात करनी थी। आप क्या है? अरे इन सब बातों के चक्कर में मेन बात करना तो भूल ही गया आपके साथ में। तो वो इसे कहते हैं अपनी पत्नी पर अत्याचार, जिसे कोई भी पति करने से बाज नहीं आता। ओए बाज नहीं आता, मैं जा रही हूँ, बाय। निपत नाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ओए छोटा सा मेरा मुंह छोड़ दे। ये देख भैया खेल रहे ना यहाँ पे। ये छोटा से है बुलंद शहर है तू बड़ा हुआ शहर शहर चल मैं चल। बाय बाय बुआ, हम भी चलते हैं अपने पालने में। हेलो जी, मैं इंदिरा शर्मा। हाँ मैंने अभी आपको फोन किया था। एक्चुअली वो फोन ना किसी और के पास था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाई। ईशान मत कर। ईशान हाँ सॉरी जी बोलिए क्या? कोई बात नहीं, मैंने तो यही बताने के लिए आपको फोन किया था कि चंडीगढ़ से एक फैमिली आ रही है, उनकी लड़की का रिश्ता भी मैं ही तय करने वाली हूँ। लड़की बिल्कुल वैसी है जैसे आप चाहते हैं, कल का ही वक्त है उनके पास। ईशान आप कहें तो मैं आपकी मीटिंग फिक्स करवा दूं। जी जी सॉरी, आप एक काम कीजिए, कल मीटिंग फिक्स करवा दीजिए मेरी। ठीक। ईशान शांत हो जाओ, देख ये कुछ नहीं हुआ सर को। देख ठीक है सर, तेरी टिंडू लिए खड़ा उसे। आजा मेरे बिच्छ, आजा ओ बेटा। कितना बड़ा हो गया तू, तूने अपनी बहन को बचाया। बस बेटा ऐसे ही अपनी बहन की रक्षा करना। मैं भी अपनी बहन की रक्षा ऐसे करूंगा जिंदगी भर, कभी कुछ नहीं होने दूंगा तेरे को। मौत भी आई ना तो उसे कहूंगा कि मुझे ले जाओ मेरी बहन को। क्या बातें कर रहे हो आप? आप दूसरी बार ये बात कर रहे हैं आज? मौत है आपके दुश्मन को, आइंदा ऐसी बातें मत करना। एक इस दीवार का क्या करें अब? नया दिन नया स्यापा। पता नहीं आप लोग इस घर में कैसे रहते रहे, सालों की बारिश से पूरी दीवारें कमजोर हो चुकी। आज ये छत गिरी, अगर भूकंप आ गया तो कल ये आपका मकान ढह जाएगा। आए दिन अखबारों में न्यूज आती है मकान ढह जाने से पूरा परिवार मलबे के नीचे मारा गया। मेरी एक सलाह मानिए दीदी, घर की मरम्मत तुरंत कराइए, नहीं तो कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। मरम्मत का कितना खर्चा आ जाएगा? मटेरियल और लेबर कॉस्ट कुल मिलाकर 5.5 में हो जाएगा, लेकिन मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगा 10% का, समझ लीजिए 5,00,000 में हो जाएगा ये। नमस्कार। जिंदगी के दिन जितने कम पड़ते जा रहे खर्चे और ही बढ़ते जा रहे, अब ये एक्स्ट्रा 5,00,000 में कहां से लाऊंगी? ओ चांद की
किस्मत आजमाइए, खुल जाएंगे बाहर जब जीतोगे 25 लाख। अपना टैलेंट दिखाइए, झूम बराबर झूम में, यहाँ कर लो डांस और बच्चों को चांस। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, मिल जाएगी दौलत शोहरत, हाँ वो भी मिल जाएगी जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि आ गया पैसा तो मन में होगा वही हो जाएगा जैसा। आइए आइए आइए, जीतिए 25 लाख।